मैं आज अपने जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान हैं जो हमारे अपकमिंग जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके लिए जो भी हमारी पीओज का जो ज़रूरी मटेरियल जो उनको दिया जाएगा, इनवेलप कौन कौन से हैं, सील्स कौन से उनको मिलेंगी, एड्रेस टैग कौन से मिलेंगे, स्पेशल टैग कौन से मिलेंगे, सील किस तरह से करना है, इन चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी चीज़ें उनको बताऊँगा और इनको आप जो है ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए वोटिंग करवाना जो है वो ईजी हो जाएगा, आप आराम से ये सारा काम कर लेंगे। तो जो मटेरियल आपको मिलेगा उसमें आपके जो महंगी चीज़ें हैं आपको सील्स मिलेगी, पूरा एक पैकेज मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी। लेकिन कुछ मेन चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना हो ये है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास इनवेलप कौन कौन से हमें मिलेंगे और कौन कौन से इनवेलप में हमने कौन कौन सी चीज़ जो है उसको पैक करना है, कैसे कैसे उसको रखना है। हमारे पास जो है ख़ास तौर पे जो हमारे चार तरह के इन्वेलप होते हैं, एक हमारा वाइट इन्वेलप होता है जिसके अंदर कुछ मटेरियल हमने डालना है, यूज और अनयूज जो है रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है येलो इन्वेलप होता है, उसके बाद हमारे पास ब्राउन इन्वेलप है, देन हमारे पास ब्लू इन्वेलप है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से इन्वेलप में कौन कौन सा मटेरियल हमने डालना है। सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारा व्हाइट इन्वेलप है, ये आपको इस तरह से मिलेगा। इस व्हाइट इन्वेलप में हमने ये मास्टर इन्वेलप होता है ईवीएम पेपर्स के लिए, तो इसमें हमने इस बार ये है, इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि हर इन्वेलप के ऊपर ये मेंशन किया गया है कि इस इन्वेलप में हमने कौन सा मटेरियल डालना है, फिर भी एक बार बताना मेरे लिए ज़रूरी था। तो जो ये व्हाइट इन्वेलप है जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल 2024 मास्टर इन्वेलप फॉर ईवीएम पेपर्स, तो ईवीएम पेपर्स इसमें कौन सा डाला जाएगा, इस इन्वेलप में अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C जो है, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड ये इस व्हाइट पेपर में डाला जाए, व्हाइट इन्वेलप में डाला जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट होगी, मार्कपोल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मार्कपोल, मार्कपोल की जो पेपर स्लिप्स हैं जो हमने पैक करी हैं ब्लैक इन्वेलप के अंदर, उसको हमने क्या करना है, वो जो मार्कपोल की जो हमारी हमने जो सुबह मार्कपोल करवाना है, तो मार्कपोल करवाने के बाद मार्कपोल की जितनी भी हमारी वीवीपैट की स्लिप्स निकलेंगी, उन सारी स्लिप्स को हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसके बैक साइड पे साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा। तो उसके बाद उसको क्या करना है कि इस ब्लैक इन्वेलप के अंदर वो सारी मॉकपोल की स्लिपें जो हैं इस वाइट इस ब्लैक इन्वेलप के अंदर उसको डाल करके इसको सील कर देना है, इसको पैक कर देना है। वापस जब इसको डालना है तो इस वाले वाइट वाले इन्वेलप में उसके बाद इसको डाल देना है। ये था हमारा मार्कपोल की जो स्लिप हैं वीवीपैट से जो निकलेंगी, उन सबको क्या करना है, साइन करना है, बैक साइड पे स्टैंप लगानी है, और उसके बाद ये वाली स्टैंप उस पर लगेगी। तो उसके बाद उसको क्या करना है, ये वाली स्टैंप लगा के उसके बाद उसको क्या करना है कि इसमें डाल देना है इस वाले व्हाइट इन्वेलप में। उसके अलावा इस व्हाइट इन्वेलप में डाला जाएगा आपका फॉर्म 17C और मार्कपोल की सर्टिफिकेट जो होगी वो इसमें डाली जाएगी। मार्कपोल के टाइम एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट साइन होती है, वो भी इस वाले इन्वेलप में डाली जाएगी। उसके बाद ये है हमारा, इसके अंदर हमारा अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C, जितने भी हमारे वोट रिकॉर्ड हुए हैं वो सारा अकाउंट जो है वो इसमें डाला जाएगा। इसमें डालने के बाद इस बड़े बड़े इन्वेलप में डाला जाएगा। वो ये जो बड़ा इन्वेलप मैं बोल रहा था, इसमें वो मास्टर इन्वेलप है, इसमें सारी चीज़ें डाली जाएंगी, लेकिन उससे पहले फॉर्म 17C जो है रिकॉर्ड ऑफ वोट इसमें डाल के फिर इस बड़े बड़े इन्वेलप में डालना है। उसके बाद नंबर 3 जो है, इसमें जो मार्कपोल की सर्टिफिकेट है हमारी, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट 1 मार्कपोल सर्टिफिकेट और जो बाकी सर्टिफिकेट्स होंगी वो इस वाले इन्वेलप में डाल करके उसको भी हमने इस मास्टर इन्वेलप के अंदर डालना है। पहले इस इन्वेलप में डाल के उसके बाद ये हमारा जो इन्वेलप है मास्टर इन्वेलप स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी स्क्रूटनी होनी है, जो जमा कराते समय आपको चेक किए जाएंगे, वहाँ दिखे जाएंगे, जहाँ पे आप ईवीएम वगैरह और अपना सामान लेकर के स्ट्रांग रूम में जमा करवाओगे, वहाँ पे जिनकी स्क्रूटनी होगी वो इस वाले इन्वेलप में डाला जाएगा। उसमें एक तो रहेगा आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो हो वो पहले इस इन्वेलप में डाली जाएगी, इस छोटे वाले इन्वेलप में प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी डालनी है, उसके बाद इसको इस बड़े वाले इन्वेलप में डालना है। इसी तरह से रजिस्ट्रार वोट्स, रजिस्ट्रार वोटर्स फॉर्म 17A, रजिस्ट्रार वोटर्स जो हैं उसकी ये बुकलेट है, इसमें रजिस्ट्रार वोटर्स हैं,
ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स इस तरह की बुकलेट है, इसमें है वो सारे रजिस्टर ऑफ वोटर का अकाउंट जो होगा वो सबसे पहले डाला जाएगा इस वाले एनवेलप में, इस वाले एनवेलप में फॉर्म 17 ए जिस पे लिखा हुआ है उसके बाद उसको भी इस वाले मास्टर एनवेलप जो ये वाला है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स का उसके बाद उसको इसमें डाला जाएगा। इसके बाद नंबर 3 जो है इसमें वो डाला जाएगा आपका लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर्स जो है फॉर्म 14 ए वाले और उनकी डिक्लेरेशन ऑफ कंपेनियंस, जो कंपेनियन उनके साथ अलाउड आएगा उसको पहले इसमें डाला जाएगा ये छोटे वाले एनवेलप में कंपेनियन फॉर्म, ठीक है, ब्लाइंड एंड इनफॉर्म वोटर्स का 14 ए फॉर्म जो है उसको इस वाले में डाला जाएगा छोटे इनवेलप में, उसके बाद उसको भी इस मास्टर इनवेलप में डाला जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो विजिटिंग शीट है कि पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे जो भी डेजिग्नेटेड लोग विजिट कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर हैं, आरओ साहब विजिट कर रहे हैं, एआरओ साहब विजिट कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट विजिट कर रहे हैं, यानी जो डेजिग्नेटेड लोग जो हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वहाँ विजिट करेंगे उनकी विजिटिंग रिपोर्ट जो होगी वो इस वाले एनवेलप में डाली जाएगी, उसके बाद उसको भी इस बड़े वाले स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट एनवेलप में डाला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो होगी हमारी, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इस एनवेलप में डाला जाएगा, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो वोटर स्लिप्स होती हैं जो सारे बीएलओज ने वोटर्स को इशू की हुई हैं जो P3 कलेक्ट करेगा वो सारी इसमें डाली जाएंगी, ये वाला उसके लिए फॉर्म है, वाइट एनवेलप है, इसमें हमारी वोटर स्लिप्स डाली जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जो टेंडर बैलेट जो पेपर्स होंगे हमारे, वो टेंडर बैलेट जो हैं वो इनवेलप जो है यूज टेंडर बैलेट जो होंगे 17B में जिनको हमने रखा हुआ है, यूज टेंडर बैलेट जो है वो हमने इसमें डाल रहे हैं, टेंडर बैलेट यूज हम सिर्फ यूज इस वाले में डाल रहे हैं, अनयूज के लिए अलग इनवेलप है हमारा, वो अनयूज के लिए हमारा ये वाला इनवेलप है जिसमें हमने अनयूज जो टेंडर बैलेट पेपर हैं वो हमने इसमें रखने हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई चैलेंज वोट आ जाते हैं, चैलेंज वोट जो अलग से बताया गया है वो वाला वोट है जिसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि चैलेंज वोट हमारे कौन से हैं, तो चैलेंज वोट अगर कोई होगा वहां पे तो उसको इस वाले फॉर्म में ये छोटा जो एनवेलप है इसके अंदर वो चैलेंज वोट डाला जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया, ये थे हमारे व्हाइट एनवेलप जो मेन थे जिसमें जितने भी स्टैचुरी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो थे वो सारे के सारे व्हाइट एनवेलप में डाले के, दो हमारे पास जनरल मास्टर एनवेलप थे व्हाइट और बाकी जितने भी छोटे एनवेलप बताए हैं वो छोटे एनवेलप में पैक करने के बाद उसको इन दो मास्टर एनवेलप जो हैं इनके अंदर उनको पैक कर देना है, एक सिक्योरिटी वाला और एक सील वाला है। अब उसके बाद है येलो एनवेलप, येलो एनवेलप में हमने कौन कौन सी चीज डालनी है, इसमें हमने ये कुछ छोटे येलो इनवेलप हैं, पहले वो सारी चीज़ें इन छोटे येलो इनवेलप में पैक होंगी, उसके बाद ये जो मास्टर कॉपी है येलो इनवेलप की उसके बाद वो इसमें डाल दी जाएंगी। अब जो है कि ये वाला जो येलो इनवेलप है छोटा, इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी इलेक्टोरल रोल की कॉपी होंगी अदर देन मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो मार्क्ड कॉपी होगी उसके लिए मैंने आपको अलग से इनवेलप बताया वो व्हाइट में डाली जाएगी, लेकिन मार्क्ड कॉपी के अलावा जो दूसरी इलेक्टोरल रोल की कॉपियां होंगी वो इस वाले इनवेलप में डाली जाएंगी, उसके बाद इस इनवेलप को इस बड़े मास्टर इनवेलप के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये है हमारा, अब जो आपके पास जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे पोलिंग स्टेशन पे उन सब से आपने जो है वो फॉर्म 10 जो अथोराइजेशन ऑफ एजेंट्स जो होगी वो फॉर्म 10 आपने कलेक्ट करना है, वो फॉर्म 10 जितने भी आपके पास पोलिंग एजेंट होंगे उनके जो फॉर्म 10 कलेक्ट करके आपने इस येलो इनवेलप में डालने, और इस येलो इनवेलप को भी बाद में आपने इस मास्टर इनवेलप जो मास्टर येलो इनवेलप जो है बड़े वाला उसके अंदर पैक करना है। उसके बाद है अगर आपने जो आपके पास EDC वाले इम्प्लाइज आ जाते हैं फॉर्म 12B लेकर के जो आएंगे, जो इम्प्लाइज ऑन ड्यूटी होंगे जिनके फॉर्म 12B होगा, जिनके आपने वहां पे वोट पोल करवाने हैं, जो उस आपके पास जो मार्क्ड कॉपी होगी उसमें वो नहीं होंगे लेकिन उनके पास EDC होगी, ड्यूटी स्लिप होगी, इम्प्लाइज ऑन ड्यूटी फॉर्म 12B उनके पास होगा आरओ की तरफ से इशू किया हुआ, वो जो आपके पास लोग आएंगे उनका वोट डलवाना है और उनकी वो जो फॉर्म 12B है वो आपने इसमें कलेक्ट करना है और इसके बाद उसको भी इस मास्टर कॉपी में डाल देना है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो डिक्लेरेशंस हैं, जो आपकी एक्चुअल पोल की डिक्लेरेशन है, पोल क्लोज होने की डिक्लेरेशन है, वो जो डिक्लेरेशंस हैं सारी वो जो हैं वो इसमें डाली जाएंगी, उसके बाद उनको भी इस मास्टर कॉपी में डाला जाएगा। उसके बाद आपके पास जो चैलेंज वोट आएगा, जो चैलेंज वोट की रिसीट होगी, जो 2 रुपये आपने ले करके जो वो फी रिसीट इशू करनी है, वो फी रिसीट
और जो है वो रिसीट बुक और कैश जो है उसके लिए, जो रिसीट बुक होगी और जो कैश आपने कलेक्ट किया है वो इस वाले येलो एनवेलप में आपने डालना है। उसके बाद इसको भी बड़े मास्टर एनवेलप में जो है आपने डाल देना है। उसके बाद ये वाला जो है आपके पास पेपर सील्स और स्पेशल टैग जो हैं वो जो आपके पास अनयूज्ड और डैमेज रह जाएंगे, चाहे वो आपकी पेपर सील्स हैं, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी पेपर सील मिलेंगी, और आपके जो स्पेशल टैग्स हैं वो डैमेज या अनयूज्ड जो है वो आपने इस वाली येलो एनवेलप में पैक करने, उसके बाद इसको भी मास्टर एनवेलप में। उसके बाद आपकी जो अनयूज्ड वोटर स्लिप रह जाएंगी, वो वोटर स्लिप जो आपकी यूज नहीं हुई है वो आपने इस वाले एनवेलप में पैक करनी है, और उसके बाद इसको भी आपने इस बड़े एनवेलप में डाल देना है। उसके बाद जो आपने कोई आपके पास ऐसे वोटर्स आ रहे हैं कि जो जिनकी एज को लेकर के आपको जो है कुछ शक हो रहा है, तो उससे आप डिक्लेरेशन लेंगे अबाउट देयर एज, वो जो एज वाला डिक्लेरेशन होगा वो भी आपने इस वाले इन्वेलप में डालना है, और इस इन्वेलप को आपने फर्दर इस बड़े वाले इन्वेलप में डाल देना है। उसके बाद आपका एक टेस्ट वोट होता है, जो मैंने आपको ट्रेनिंग्स में बताया भी है, दोबारा आज बताऊँगा, वो जो टेस्ट इन्वेलप होगा उसको भी आपने इस वाले इन्वेलप में पैक करना है, उसकी डिटेल, और उसके बाद क्या करना है, जो जो डिक्लेरेशन होगी, वोटर जो डिक्लेरेशन देगा 949MA के तहत, वो डिक्लेरेशन और जो है आपने इस वाले एनवेलप में पैक करनी है और उसको इस बड़े वाले एनवेलप में डालना है। उसके बाद जो ASD वाले एम्प्लॉइज होंगे, ASD जो लिस्ट होगी, तो उनकी भी आपने उनका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ASD वालों का वो आपने इसमें डालना है, और उसके बाद जो है उसको भी आपने इस बड़े वाले इन्वेल्प के अंदर, मास्टर इन्वेल्प जो येलो इन्वेल्प है उसमें डाल देना है। उसके बाद इन्वेल्प फॉर लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO, आप जैसे आपके पास कोई 49MA के तहत वायलेशन होती है, या चैलेंज वोट की जो आपको लगता है कि उसके खिलाफ चैलेंज वोट जो है उसकी आपने लीगल एक्शन लेना है, तो आप SHO को कंप्लेंट देना चाहते हैं, तो वो कंप्लेंट आपने इस वाले येलो इन्वेलप में उसके में डाल करके आपकी वो कंप्लेंट जो है वो SHO तक जाएगी, वो उनको आपने भेजनी है। ये थे आपके दो मेजर स्टैचरी और नॉन स्टैचरी के लिए, आपका वाइट इन्वेलप्स और आपके येलो इन्वेलप्स। ये जितने भी छोटे इन्वेलप्स मैंने बताया है इसको आपने सबको पहले सील करना है, उसके बाद उनको इस लिस्ट के तहत, इस बड़े वाले मास्टर येलो इन्वेलप पे जो लिस्ट दी हुई है इसके तहत सारे वो आपने इसमें डालने हैं। और अब जो आ गया तीसरा जो इन्वेलप था वो आ गया आपका ब्रोन इन्वेलप जो है। ब्रोन इन्वेलप में आपने कौन सी चीज़ें डालनी हैं? ब्रोन इन्वेलप में आपने डालना एक तो ये है कि जो आपने यूज जो इनडेलिबल इंक जो आपको मिली थी, जो आपने वोटर की जो है लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर पे लगानी है, वो जो आपके पास बच जाएगी इनडेलिबल इंक बची हुई, और इंक पॉट जो होगा वो आपने इस वाले इन्वेल्प के अंदर डालना है, और यूज्ड स्टैम्प पैड जो आपको मिला हुआ है वो स्टैम्प पैड यूज जो है वो अभी आपने ये वाला स्टैम्प पैड जो है, ये यूज्ड स्टैम्प पैड जो है ये भी आपने इस वाले ब्राउन इन्वेल्प में डालना है, और उसके बाद इसको इस बड़े वाले इन्वेल्प जो है, बड़े वाला ब्राउन इन्वेल्प जो है इसके अंदर डाल देना। इसमें दो ही चीज़ें आपकी जाएंगी, ये किसकी, एक तो ये है कि जो आपकी इंडेलिबल इंक बची हुई होगी यूज होगी वो, और स्टैम्प पैड जो है वो जाएगा, और इंडेलिबल इंक का पाउच जो है वो आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद जो फॉर्म, अगर इसके बाद आपके पास कोई भी फॉर्म और अगर आपके पास बच जाएगा, वो सारे के सारे फॉर्म बचे हुए जितने भी जो मटेरियल आपके पास बच जाएगा वो सारा मटेरियल आपका इस ब्लू वाले एनवेलप में जाएगा। उसमें क्या जाएगा, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो आपको मिली होगी, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी और अनयूज्ड फॉर्म रह जाएंगे, उसके बाद मेटल सील प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ये वाली जो मेटल सील है, ये वाली जो सील जहाँ पे भी आप करेंगे सील के ऊपर लगेगी ये वाली मेटल एनवेलप। उसके बाद एरो क्रॉस मार्क जो होगा, अगर आपके पास टेंडर वोट करवाना पड़ेगा उसके लिए एरो क्रॉस मार्क होगा वो वाला, और उसके बाद जो है आपका टेंडर बैलेट के लिए जो रबर स्टैंप होगी आपकी टेंडर बैलेट के लिए, वो टेंडर बैलेट के लिए जो रबर स्टैंप होगी आपकी ये वाली रबर स्टैंप ये, और उसके बाद आपका कप जो जो वो आपने ये वाला जिसमें आपने इंडेलिबल इंक रखने के लिए जो पॉट कप यूज कर रहे हो, ये सारा आपका जो मटेरियल है वो वाला बचा हुआ जितना भी मटेरियल है वो सारा आपका इस ब्लू वाले एनवेलप में आपने डालना है। ये थी आपके लिए डिटेल जो आपने कौन कौन से एनवेलप यूज करने हैं इसके लिए। अब जो है टेंडर वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म 17A जो बता दिया रजिस्टर ऑफ वोटर्स वो मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो दूसरी स्टैचुरी बुक है इसमें आपके टेंडर वोट्स हैं की जो है फॉर्म है,
जो टेंडर वोट का फॉर्म फिल करना है आपने, अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड फॉर्म 17 सी भी इसी में है, चैलेंज वोट फॉर्म 14 जो है, और ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर के लिए फॉर्म 14 ए जो है वो सारा इस जो स्टैचुरी बुक बी में है, यानी जो आपको स्टैचुरी बुकलेट मिली होगी वन में जो है आपका 17 ए है रजिस्टर ऑफ वोटर, और उसके बाद जो दूसरी वाली है इसमें टेंडर वोट लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स फॉर्म 17 बी, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17 सी, चैलेंज वोट फॉर्म 14 एंड ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर्स जो है फॉर्म 14 ए कंप्लीशन फॉर्म, जिसको पूरा वो आपका इस दूसरी वाली स्टैचुरी बुकलेट में रहेगा। उसके अलावा कुछ आपके पास नॉन स्टैचुरी जो है मटेरियल है जो आपको जरूरत आएगी वहां पे, वो आपका सारा रहेगा ये वाले जो येलो आपकी जो है वो बुकलेट्स हैं, इसमें ये भी दो बुकलेट हैं आपकी, उसके इसमें जो रहेगा आपका इसमें आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी है, आपकी विजिटिंग शीट है, डिक्लेरेशन जो तीन मेजर डिक्लेरेशन होती है, मार्क पोल डिक्लेरेशन, पोल स्टार्ट करने की डिक्लेरेशन और पोल क्लोज होने की डिक्लेरेशन शाम को जो साइन होनी है, वो तीनों डिक्लेरेशन भी इसमें रहेंगी। विजिटिंग शीट मैंने कहा कोई आपके वहां विजिट कर रहा, डेजिग्नेटेड लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे उनकी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी रहेगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स जितने भी हैं वो सारी, और जो है रिसीट जो आपने मटेरियल रिटर्न करना है पोल के बाद उसकी लिस्ट जो है वो भी सारी चीजें इसमें है। उसके अलावा पोलिंग एजेंट वगैरह के लिए एंट्री पास ऑफ पोलिंग एजेंट, डिक्लेरेशन कंपेनियन का डिक्लेरेशन, रिसिट बुक कैश वगैरह जो आपने चैलेंज वोट के लिए इशू करना है, टेस्ट वोट के लिए 49 ए फॉर्म जो है उसकी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जिसका नाम ईएसटी लिस्ट में है वो डिक्लेरेशन, उसके बाद जो है आपकी जो कंप्लेंट आपने भेजनी है अगर जरूरत पड़ जाए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक के अकॉर्डिंग वो भी इसी में है, एज की डिक्लेरेशन को लेकर के वो फॉर्म भी इसी में है, और उसके अलावा कि वो लोग जो वोट जो है वो डिक्लेरेशन जो है अपनी साइन करना जो है रिफ्यूज कर दें उसके लिए जो फॉर्म है डॉक्यूमेंट है वो भी इसी बुकलेट के अंदर आपको दिया गया है। इसके बाद जो रहेगी चीज और बहुत जरूरी है वो मैं आपको टैग्स के बारे में बता दूं कि सील्स और टैग कौन कौन से होंगे आपके पास। तीन तरह के टैग सील्स होंगे, एक आपके पास होगा पिंक ग्रीन पेपर सील और पिंक पेपर सील्स जो होंगी, ये जो आपकी है ग्रीन पेपर सील्स जो आपकी सीयू जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर जो है जहां से आप सीआरसी का प्रोसेस करते हो वहां पे ये आपको मिलेगी, इसको लगाने के लिए इस तरह से लगाया जाएगा, और ये आ गई आपकी वो जो सील है ग्रीन पेपर सील, एक ये रहेगी आप